कुछ जरूरी पन्ने भारत के इतिहास के। पाठ 3। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। ईरानी शिलालेख में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है, इसलिए पुराने समय में तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। इसका संबंध न तो धर्म से था और न ही से। हमारे प्राचीन कवि, दार्शनिक और लेखक देश को एक अखंड इकाई के रूप में देखते थे। वे इस भूखंड को हिमालय से लेकर समुद्र तक एक छत्र फैले हुए विस्तृत साम्राज्य के रूप में बताते हैं। जिन राजाओं ने हिमालय से केप कोमरीन तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु से आगे तक अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश की, उनकी सर्वत्र प्रशंसा की गई है। उन्हें चक्रवर्ती कहा जाता था। प्राचीन काल में ऐसो राजनीतिक एकता कम से कम दो बार स्थापित हुई। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक ने दूरंत दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अशोक के शिलालेख भारत पाकिस्तान के अधिकतम हिस्सों से लेकर अफगानिस्तान तक अलग अलग मिलते हैं। फिर 4थी सदी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर तमिल भूमि तक की विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य राजा पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हरा दिया, जो पूरे उत्तर भारत के राजा थे। कमजोर राजनीतिक एकता के बावजूद पूरे भारत का विभिन्न राजनीतिक ढांचा कमोवेश एकता के सूत्र में बंधा हुआ था। विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नजर में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफी करीब है। फारसी और अरबी भाषाओं में इंडिया को हिंद कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। अध्ययन के दौरान भारत में भाषिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की लगातार कोशिश दिखती है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में प्राकृत भाषा ने भारत के बड़े हिस्सों में बोलचाल की भाषा का काम किया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। 4थी शताब्दी में गुप्त काल के समय यह प्रक्रिया विशिष्ट रूप से विद्यमान थी। हालांकि गुप्त काल के समय भारत में कई छोटे छोटे राज्यों का उद्भव हुआ और राजशाही दस्तावेज संस्कृत में लिखे गए। दूसरा मुख्य तथ्य यह है कि रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन महाकाव्य तमिल की धरती पर भी उतने ही उत्साह और भक्ति से पढ़े गए जितने बनारस और तक्षशिला के विद्वानों के बीच मूलतः संस्कृत में रचित इन महाकाव्यों के विभिन्न भाषाओं में कई संस्कृत तैयार किए गए। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और विचारों की अभिव्यक्ति चाहे जिस रूप में हो, उसका सत्व समूचे भारत में लगभग एक जैसा रहा।